सरकारी अस्पतालों के बाद अब निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद अब बुजुर्ग और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग अस्पताल पहुंचकर वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। शहर में पिछले दिनों कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकारी अस्पतालों में उमड़ी भीड़ को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने शहर के 58 निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है, जहां फिलहाल बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को सशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। देखिए ये पूरा जो है अपना जो स्वास्थ्य विभाग है, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग, वो इसमें पूरा हमको सहयोग कर रहा है और गाइडेंस भी वही दे रहे हैं। और आपने आपके सामने आपने देखा ही है कि वहाँ से CMHO से अधिकारीगण यहाँ आकर और बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझाई जा रही है, बहुत अच्छे से सब ट्रेन करा जा रहा है। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से सब मरीजों को या क्लाइंट्स को अपन जनता को फिर तकलीफ़ नहीं हो उसके लिए उनकी पूरी बैठने की व्यवस्था करी है और बैठकर और प्रॉपरली पूरा का पूरा सिस्टम बनाया है कि आप वैक्सीनेशन के टाइम पर भी वहाँ पर एक इमरजेंसी किट भी रखी गई है और ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है और प्रॉपरली वहाँ पर एक डॉक्टर कंटिन्यूसली मौजूद है जो पूरा मॉनिटर कर रहा है। उसके बाद में वैक्सीन के लगने के बाद में उनको ऑब्जर्वेशन कक्ष में आधा घंटे के लिए रखा जाता है। तो WHO की गाइडलाइन से पूरा का पूरा वो सब चीज़ें पूरी व्यवस्था जमाई गई है और सभी वैक्सीनेशन सेंटर जितने भी हैं इंदौर में सब में CMHO ऑफिस से सारी चीज़ें पूरी मॉनिटर की जा रही है, कहीं पर ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। WHO की गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीन दिया जा रहा है और वैक्सीन जो है वो सभी को लगाना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को लगाया जा रहा है 60+ को, और 45 to 60 ईयर्स एज वाले जो हैं वो अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है तो उनको भी अपना प्रमाण पत्र लगा कर और उनको भी हम वैक्सीन लगा रहे हैं। आज सुबह सुबह 8 बजे हमारे पास वैक्सीन के डोज आ गए थे, अभी 100 वायल आए हैं और हमको लगातार हम पूरा पोर्टल पर वो सब देखा जा रहा है। वैक्सीन जैसे ही हमारे पास कम होंगे इमीडिएटली वहाँ से वैक्सीनेशन की टीम आकर और वो इमीडिएटली प्रोवाइड कर रही है। वैक्सीन लगाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो आरोग्य सेतु ऐप या कोविन 2.0 ऐप पर कराया जा सकेगा। 58 टोटल 58 सेशन सत्र हम लोगों के आज हमने बनाए हैं जो सारे ही निजी चिकित्सालय हैं, क्योंकि आज रेगुलर इम्यूनाइजेशन का डे होता है तो हमारी जो शासकीय ANM होती है वो अपना रेगुलर इम्यूनाइजेशन करती है, इसलिए हम लोग ने शासकीय संस्था को मैं आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हूं कि कोविन नाम का जो पोर्टल है जिस पर हम लोग प्रविष्टि करके टीकाकरण करते हैं, उसके अलावा एक इविन करके भी पोर्टल होता है जिसमें हमें संस्थावार टीके की क्वांटिटी डालनी होती है। तो ये रातों रात हमारी जब संस्थाएं डिसाइड हुई हैं तो जब तक इवन पे नहीं चलती हैं हम नहीं पहुंचा सकते, ये एक तकनीकी कारण है। और जैसे ही इवन पे प्रविष्टि होती है हम लोग बिल्कुल तुरंत कोल्ड चेन पॉइंट से निकाल देते हैं वैक्सीन। थोड़ा सा आज डिले हुआ है 9 बजे की जगह 12 बजे तक, लेकिन आज मैंने अभी पता किया है सारे सेशन सत्रों पर पहुंच गई है टीका। कल हम लोग करीब 85 सत्रों की प्लानिंग कर रहे हैं, 58 यही सारी हमारी जो निजी चिकित्सालय हैं ये हमारी संस्थाएं रहेंगी, इसके अलावा करीब 40 शासकीय संस्थाएं हम लोग प्लान कर रहे हैं। वहीं अब निजी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुँच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP News इंदौर।